जय हिंद बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। आज पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के पावन पर्व पर ईद मिलादुन नबी का त्योहार झांसी में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। आपको बता दें कि आज के दिन फजर के समय पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद साहब की माता का नाम आमना और पिता का नाम अब्दुल्ला है। पैगंबर मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, इसी कारण से मुस्लिम समाज के लोग आज के दिन को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। सुबह के समय से ही मुस्लिम समाज के लोग मस्जिदों के आसपास इकट्ठा होने लगे और झंडे हाथों में लेकर बाजे की धुन के साथ जुलूस निकाला गया। जुलूस खाती बाबा के दिलदार नगर से डॉक्टर फिरोज खान और मोहसिन खान की अध्यक्षता में निकाला गया, जिसमें बच्चे बड़े और बुजुर्ग सभी आयु वर्ग के लोग शामिल हुए। बच्चे अपने हाथों में अलग अलग रंगों के झंडे उठाए हुए थे। लोग पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की बधाइयां एक दूसरे को दे रहे थे। मेरा भारत सेवा मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर फिरोज खान और महासचिव मोहसिन खान की तरफ से बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट और खिलौनों आदि का वितरण भी किया गया। पूरा जुलूस बहुत धूमधाम से खाती बाबा से शुरू होकर दीनदयाल नगर, ताज कंपाउंड, आवास विकास होता हुआ सीपरी बाजार में समाप्त हुआ। जुलूस के दौरान लोग जोश से भरे हुए थे और दीन इस्लाम जिंदाबाद, जब तक सूरज चांद रहेगा दुनिया में इस्लाम रहेगा, सबसे प्यारा नबी हमारा आदि नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस जुलूस में जावेद हसन, साकिब, वासिब, ऋतिक सोनी, अजय, उदैनिया, राशिद, आदिल, तन्नु, मक्कू, रसूल, आसिफ, शिवम, शेरू भाई और मेरा भारत सेवा मिशन के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मोहम्मद साहब का जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईद उल मिलाद मनाया जाता है, तो आज कौन सी ऐसी बात है जो आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप बताओगे मोहम्मद साहब के बारे में? हम मोहम्मद साहब के बारे में इसलिए बताना चाहेंगे कि आज उनकी पैदाइश का दिन है, जो बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जिसके लिए ये ईद के जैसा एक त्यौहार होता है जिसे हम बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा शब्द है बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज 12 बफा है, जैसे लोग ईद उन मिलाद के नाम से भी जानते हैं। ईद का अर्थ होता है उससे मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना। ईद उन मिलाद जैसे लोग मिलाद उन नबी के यानी मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन के उत्सव के रूप में भी मनाते हैं। आज जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जा रहा है पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। आज के दिन आखिर ऐसा क्या खास होता है जिससे ईद उन मिलाद और जश्न का त्यौहार बन जाता है? आज के दिन यह त्यौहार है कि पैदाइश का दिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हुजूर थे उनके सदके में, मतलब उनके जो पैदाइश हुई थी उनके उपलक्ष्यों में बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। आज के दिन और क्या क्या खास होता है आज के दिन? आज के दिन हमारे यहाँ परसम कुचाई होती है, जैसे जुलूस निकलता है और हमारे हुजूर के नारे भी होते हैं। धन्यवाद आप सभी का हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया बड़े भाई। आज के यहाँ सर ये जो दिन है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश में हम लोग मंगाते हैं, और ये ऐसे नबी हैं जो कुल कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं। इनके लिए केवल मुसलमानों के लिए नहीं, कुरान शरीफ के क़याम में कहा गया है रहमतुलिल आलमीन, मतलब सारे आलम के लिए, इंसान जिन्नात जो भी है परिंदे सारे के लिए, सब लोगों के लिए रहमत बन के आए। उनके आने से पहले लड़कियों पर बहुत जुल्म होता था, लड़कियों को जिंदा गाड़ दिया जाता था, आपके आने के बाद लड़कियों को, औरतों को उसका अधिकार मिला। ये सारे जहान के लिए रहमत बन के आए, इसमें सारे लोग खुशी मनाते हैं। आप हजरात जानते हैं कि मज़ारों पे सारे लोग जाते हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही सिजरा एक चीज़ मज़ारों पे चला आ रहा है, ये खुशी का दिन है आज। ये आप बताइए कि मोहम्मद साहब की जैसी सभी बातों को याद किया जाता है, लेकिन आज के दिन आप हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कुछ ऐसी सीख देना चाहते हैं जो मोहम्मद साहब ने दी हो? आप शांति बनाए रखें, सब अपन सब एक हैं, एक होकर चलें, इसी से अपना विकास है। कोई हिंदू मुस्लिम के नहीं, सब एक हैं, अपन सब्जेक्ट अलग अलग है, विषय एक है, हम सब चाहते हैं कि सब एक रहें, सब मिल बांट के रहें, हम उनके सुख दुख में जाएं, वो हमारे सुख दुख में आएं, हम सब साथ मिल के रहें और शांति बनाए रखें। आज के दिन और क्या क्या खास होता है? ये जितना बांट उनकी याद में बांटें, गरीबों को बांटें, मिलजुल के रहें, आना जाना रखें, तबर्रुक बांटें। इस्लामिक धर्म में सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला यह दिन इस्लामिक कैलेंडर रबी उल अव्वल के तीसरे महीने और 12वें दिन में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। कई विद्वानों के मतानुसार जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था यानी तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने अपना देह त्याग दिया था। हालांकि ईद उन मिलाद
एक बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार है, लेकिन यह एक शोक का भी दिन है क्योंकि आज ही के दिन पैगंबर मोहम्मद साहब हमारे दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गए थे।